बम बम भोले की नारों से गूंजा नगर पंचायत इटौंजा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत इटौंजा में बड़े शिवाला रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर बिठूर से चलकर इटौंजा रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंची कावड़ यात्रा। मौके पर भारी निरीक्षक इटौंजा सुनील कुमार तिवारी अपने पूरे पुलिस दलबल के साथ दिखे मुस्तैद। कावड़ यात्रा के संयोजक संजय सिंह ने बताया, बहुत ही अच्छी यात्रा रही। प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। सभी भक्तगण बिठूर से चलकर पैदल इटौंजा के लिए हुए रवाना। नाच गाना बैंड बाजा के साथ बम बम भोले के नारे लगाते हुए भोले की मस्ती में पहुंचे बड़े शिवाला रत्नेश्वर महादेव मंदिर इटौंजा, जहां पर सभी लोगों ने जल चढ़ाकर भोलेनाथ के दर्शन किए और सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। मौके पर प्रभारी निरीक्षक इटौंजा सुनील कुमार तिवारी, अतिरिक्त निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक जय प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, अन्य भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कावड़ यात्रा के संयोजक संजय सिंह व उसराना प्रधान प्रतिनिधि चंद्रिका सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष इटौंजा अवधेश कुमार उर्फ कमल अवस्थी, अध्यक्ष राजू कश्यप, रुद्र प्रताप सिंह, अंकुर गुप्ता, जेपी शुक्ला, राजू शुक्ला, बनवारी लाल, योगेश, ज्ञानू गुप्ता, अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। शांति व्यवस्था के साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर कावड़ यात्रा का समापन हुआ। प्रभारी निरीक्षक इटौंजा सुनील कुमार तिवारी अपने पुलिस दलबल के साथ दिखे मुस्तैद। क्षेत्र की जनता ने पुलिस की सराहना करते हुए दिया कोटि कोटि धन्यवाद। संवाददाता ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत इटौंजा में रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर है, जो कि यहां पर 17 कांवड़ यात्रा जो है बिठूर के लिए प्रस्थान की गई थी और आज जो है वापस आई है, पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर लोग बम बम भोले के नारे लगाते हुए भोले की मस्ती में आए हुए हैं और आज इस समय मौजूद हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर इटौंजा पर। और हमारे साथ में इस कांवड़ यात्रा के संयोजक संजय सिंह जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। संजय जी, जैसे कि आप जो है कांवड़ यात्रा वापस आई हुई है रत्नेश्वर महादेव मंदिर पर, वापस पैदल चलकर आप लोग जो है भोले के नारे लगाते हुए भोले की मस्ती में आए, कैसा लगा और पूरी यात्रा कैसी है? बहुत अच्छा लगा। रास्ते में जो सहयोग और जो लोगों का भाव दिखा तो इससे लगा कि सनातन धर्म अभी जिंदा है जी, और रास्ते रास्ते लोगों ने बहुत स्वागत किया, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। भगवान भोले से ही कल्पना करते हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे यात्रा जुड़े लोग हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जिस भाव से गए हैं सबकी भाव सबकी मनोकामना पूर्ण भोले जगह जगह पर जो है आपको पुलिस प्रशासन की जो है सुविधा मिली, कैसा लगा आपको प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली? बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा हसन में महिला कांस्टेबल जीतने के बाद अपने पैसे में इसकी सबसे बात नहीं थी। उस समय मैं सो रहा था तो हमारे सर के पास लग के आई, कहे जब पुलिस में लग रहे हैं तो उनसे बता देना कि हमारी तरफ से हम सबको साधवार देते करते हैं, लोगों में अभी आस्था। और कितनी संख्या में लोग गए थे, कितनी संख्या लगभग हो गई और आज जो है काफ़ी सही भक्त हैं और आज क्या मिला? 350 की संख्या थी जी, और आप मेला तो देख ही रहे हैं, आप लोगों को सहयोग से और सिस्टम को आज देख रहे हैं एकदम बमदम बमदम कर रहे हैं और आगे चल के लोगों की इच्छा है। हमारे बनवारी भैया कह रहे थे अगली बार जब 1000 करेंगे तभी हम व्यवस्था कर पाएंगे, नहीं तो करेंगे नहीं व्यवस्था अगर 1000 नहीं होगी। जब ऐसे हमारे साथी लोग हैं, चेतन गुप्ता भाई साहब सब लोग हैं हमारे साथी, उनके ऐसा कांवड़ यात्रा के संयोजक संजय सिंह जी थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कैसे और क्या क्या व्यवस्थाएं थी। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी मिली और रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ संजय सिंह जी कांवड़ यात्रा के चैनल से।